नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का इंतजाम किया गया है। इसमें मेहमानों को खास तौर पर दाल रायसीना परोसी जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 8 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा कुल 40 लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन में खास दाल रायसीना 28 मई की शाम से बनाई गई। इसे बनने में 48 घंटे लगे। सूत्रों के अनुसार आज गुरुवार रात से पहले दाल रायसीना बनकर तैयार हो गई थी। आपको बता दें कि दाल रायसीना को बनाने में 48 घंटे का वक्त लगता है। क्या है दाल रायसीना की खासियत, आपको बताते हैं। दाल रायसीना एक तरह की काली दाल है। खास बात यह है कि इसे धीमी आंच और धीमी रफ्तार से तैयार किया जाता है। यही वजह है कि ये दाल 48 घंटे में बनकर तैयार होती है। दाल रायसीना को बनाने के लिए इस्तेमाल मसाले को लखनऊ से मंगाया गया है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है और इसी पहाड़ी के नाम पर इसे दाल रायसीना का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के शेफ मोंटू सैनी की निगरानी में दाल रायसीना को तैयार किया गया। मोंटू सैनी के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। मोंटू सैनी को दाल रायसीना बनाने में काफी निपुण माना जाता है। मोंटू सैनी राष्ट्रपति के मुख्य शेफ हैं। राष्ट्रपति उनके परिवार और राजकीय भोज के लिए खाना इन्हीं के नेतृत्व में तैयार कराते हैं। 16 जून 2015 को ज्वाइन करने के बाद से मोंटू राष्ट्रपति भवन में होने वाले हर बैंक्वेट, भोज या डिनर के लिए अपनी टीम के साथ खाना बनवाते हैं। यही नहीं, मोंटू के पास राष्ट्रपति के निजी किचन की भी जिम्मेदारी है। मोंटू का कहना है कि भारत के राष्ट्रपति का शेफ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय कुकिंग का जायका दिलाएं। इसलिए वे राष्ट्रपति भवन के मेहमानों को इंडियन फूड ही खिलाने का प्रयास करते हैं। कई बार कई विदेशी मेहमान खुद इंडियन फूड की फरमाइश करते हैं, जैसे म्यांमार की नेता आंग सान सू की जब राष्ट्रपति भवन की मेहमान बनी तो उन्होंने पूरी, भाजी, डोसा, कचौरी जैसे इंडियन फूड की फरमाइश की। मोंटू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित हैं। मोंटू सैनी राष्ट्रपति भवन के खाने में प्रयोग होने वाले मसालों की खरीद खुद ही करते हैं। राष्ट्रपति भवन में नियुक्ति से पहले मोंटू सैनी द अशोका होटल के मुख्य शेफ थे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम आपको समय समय पर इंटरेस्टिंग जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहें रस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।